रायसेन जिला मुख्यालय के सांची मार्ग पर स्थित पगनेश्वर से धोबा खेड़ी, धनिया खेड़ी, चिरौली और मेहगांव सहित 4 से 5 गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका सुधार कार्य अभी तक नहीं हो पाया, जिस कारण 3 गांव के किसानों सहित स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक और परेशान का सामना करना पड़ रहा है। गांव बेतवा नदी किनारे लगे हैं। कुछ दिनों पहले अधिक बारिश के बाढ़ के बहाव में यह रोड भी क्षतिग्रस्त हो गया। रोड पर अधिक कटाव होने के कारण यहां से वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। अब तक इस रोड की किसी ने सुध नहीं ली, जिस कारण यहां से गुजरने वाले आम लोग और किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। धोबा खेड़ी के रहवासी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि बाढ़ के कारण रोड के कटाव हो गया था, तब से ही रोड इसी हालत में है। इस रोड में 3 गांव के किसानों आना जाना है। अब तक सुधार कार्य नहीं होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कौन सा रोड है और किस कारण क्षतिग्रस्त हुआ है ये? सर, पगनेश्वर से धोबा खेड़ी, धनिया खेड़ी, चरौली पहुंच मार्ग है, जो कि बाढ़ के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पुलिया बनी थी, पुलिया के रोड से 2-3 जगह से रोड टूट गया है। इसमें 2-व्हीलर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे स्कूल की मैडम वगैरह आती है, उनके बच्चे आते हैं तो दिक्कत आती है निकलने में। 4-व्हीलर भी नहीं जा पा रही है, 2-व्हीलर में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी सुधार कार्य नहीं हो पाया? सुधार कार्य सर हुआ था, लेकिन वो थोड़ी सी मट्टी डाल के गए थे, वापस वैसा के वैसा हो गया, पानी के अंदर से धस गया नीचे से। कितने गांव का रास्ता है ये? 3-4 गांव का रास्ता है।